ये कौन सा चैप्टर होगा? 8 चैप्टर ना, आठवां चैप्टर होना है ये। सर भेज दिए। सर हाँ ठीक, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। चलिए, मेरे से पहले आप लोग यदि बताना चाहें हेल्थ के बारे में तो बता सकते हो। क्या होता है हेल्थ? हेल्थ इज वेल्थ, सुने हो ना कुछ ये फ्रेज का मतलब क्या होता है? क्या हुआ जी हेल्थ इज वेल्थ कहने का? वन से समथिंग स्टेट ऑफ बीइंग फिजिकली मेंटली अरे सोशली यार, हेल्थ फिट। इज वेल्थ का मतलब मैं बता रहा हूँ। हेल्थी नहीं रहेगा तो पैसा कैसे कमाएंगे? अरे यार, हेल्थ इज वेल्थ हम इंग्लिश में बोल रहे हैं, हिंदी में मतलब होगा कि शरीर ही धन है कि नहीं है? है ना, हेल्थ इज वेल्थ मीन्स दैट। फाइन, तो हेल्थ का डेफिनेशन क्या होगा? इट इज अ स्टेट ऑफ, ठीक है, इट इज अ स्टेट ऑफ अ बॉडी स्टेट ऑफ अ बॉडी वेयर वेयर द पर्सन इज फिजिकली mentally, socially and economically fit, ठीक है, इसको हम लोग बोलेंगे हेल्थ। ठीक है, इसको हेल्थ कहेंगे हम लोग। एक इंडिविजुअल है जिसके पास क्या बोलेंगे, ऑप्टिमम अमाउंट में पैसा है उसके पास, ठीक ना, बीमारी वगैरह कुछ नहीं है, ठीक से चल पाता है, खाना पीना सही है, उसका स्टेटस सही है सोसाइटी में, है ना, लेन देन नहीं है, बाकी उधार नहीं है, मेंटली भी सही है, सबसे बात करता है, इतना सफिशेंट पैसा है कि वो चैरिटी भी करता है, तब जाके उसको हम लोग हेल्दी पर्सन मानेंगे। ठीक है, उसी को हम लोग कहेंगे कि दैट पर्सन इज हेल्दी, है ना। यदि एक इंडिविजुअल ऐसा है उसके पास कुछ बीमारी नहीं है, बट ही डो नॉट हैव होम टू लिव, ही डो नॉट हैव इनफ मनी टू हैव फूड, तो उसको हम लोग सिंपली कहेंगे दिस पर्सन इज फ्री, बट दैट पर्सन इज नॉट हेल्दी। रिपीट कर रहा हूँ इस चीज को, यदि एक बंदा है जिसके पास कोई बीमारी नहीं है बट ही डोंट हैव एनी स्टेटस इन द सोसाइटी, घर नहीं है, किसी बातचीत नहीं कर रहा, ठीक ना, उसको हम लोग हेल्थी हेल्दी पर्सन नहीं बोलेंगे, सिंपली कहेंगे वो इंडिविजुअल फ्री फ्रॉम डिजीज है। ठीक है, इफ ए पर्सन इज फ्री फ्रॉम डिजीज, ठीक है, इफ ए पर्सन हैज नो डिजीज, हैज नो डिजीज बट he or she suffers from economic problem, economic social problem ठीक है, then we cannot call उसको हम लोग हेल्दी नहीं बोल सकते। Called it
सॉलिटास हेल्दी सिंपली it is said to be diseased free individual disease free individual बोलेंगे सही है health का definition हो गया disease free individual का भी definition done मतलब समझ लिए now How we can keep good health? How? ये क्वेश्चन आप लोग का है बताएंगे How we can keep good health? Tell me, how we can keep good health? क्या क्या करना चाहिए जिसके चलते हम बीमार ना पड़े कौन एक एक करके एक एक पॉइंट बताओगे कौन यू गाइस आर स्टडिंग दिस फ्रॉम द लास्ट चुपचाप हो तुम लोग एक क्लास 10th है 9th है जिसमें सिर्फ गर्ल्स ही गर्ल्स बोलते रहती है और क्लास 12 है जिसमें सिर्फ बॉयज ही बोलते हैं गर्ल्स चुपचाप रहती है क्या है ये बोलो जी रेगुलर एक्सरसाइज करना चाहिए गुड वी मस्ट डू रेगुलर एक्सरसाइज योगा करना चाहिए योग करना चाहिए ना योग करना चाहिए नॉट योगा योगा अंग्रेजी हो गया योग बोलो हिंदी है योग 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 करना चाहिए ओके और कुछ प्रॉपर डाइट होना फाइन अच्छी बात है और ज्यादा ऑयली फूड नहीं खाना चाहिए जंक फूड अवॉइड करना चाहिए जंक फूड नहीं खाना चाहिए फाइन हाँ ठीक है और बात एक्सरसाइज करना चाहिए योग करना चाहिए हेल्दी खाना खाना चाहिए जितना हो सके अपने एनवायरमेंट को साफ रखना चाहिए हाँ पर्सनल हाइजीन मेंटेन करना है कम्युनिटी हाइजीन मेंटेन करना है कि नहीं है ना ये सब करना है गुड सोर्स ऑफ इनकम सर गुड सोर्स ऑफ इनकम यस ठीक है देखते हैं गुड सोर्स ऑफ इनकम आएगा कि नहीं आएगा ठीक है तो ये सब मैं लिख रहा हूं आएगा भी नहीं एग्जाम में अवॉइड कर रहा हूं ठीक ना अपने से लिखेंगे ठीक ना कीप पर्सनल ना पर्सनल हाइजीन कम्युनिटी हाइजीन मेंटेन करके रखना है ठीक है इसके चलते हम सही रहेंगे एक्सरसाइज वगैरह करना है फाइन ठीक चलिए डिजीज हाउ इट हैपन्स डिजीज का मतलब होगा यदि डिजीज शब्द को तोड़ेंगे हम लोग डिजीज शब्द को यदि हम तोड़ेंगे दो भागों में तो इसका मतलब क्या निकलता है देखते हैं ईज का मतलब होता है आराम हिंदी में बोलेंगे ईज का मतलब आराम कंफर्ट डिसकंफर्ट हो गया कंफर्ट डीज का मतलब नो no. नहीं ठीक है नहीं सही है तो आराम नहीं डिजीज का मतलब होगा आराम नहीं ठीक है नॉट इन कम्फर्ट जोन नॉट इन कम्फर्ट एरिया नॉट कम्फर्टेबल दैट इज डिजीज है ना डिजीज कहने का मतलब शरीर में कुछ गड़बड़ी होना है ना दैट इज डिजीज स्टेट ऑफ बॉडी ठीक है स्टेट ऑफ बॉडी इन नॉन कम्फर्टेबल कंडीशन इसको हम लोग कहेंगे डिजीज है ना ये हो गया आगे बढ़ते हैं हाउ डिजीज ऑफ द स्किन अस कैसे होता है डिजीज
इन अ बारी, कैसे कैसे हो सकता है, कैसे हो सकता है बीमारी आपके शरीर में, हाउ? हम बोलेंगे ऐसा जरूरी नहीं है, तुम लोग भी ट्राई करो more than one organ is not working properly. है ना, कोई एक organ या एक से ज्यादा organ अच्छा से functional नहीं है, काम नहीं कर रहा है ना, कि चलते हम बीमार पड़ गए, हमारा तबीयत खराब हो गया, हम डिजीज हो गए, है ना। मान के चलो पेनक्रियाज काम नहीं कर रहा है, लीवर काम नहीं कर रहा है, स्टमक काम नहीं कर रहा है, ब्रेन काम नहीं कर रहा है ना, और कुछ हमारा बॉडी में वेस्ट का एक्युमुलेशन है। हाँ हाँ, क्या बोल रहे हो, बॉडी में वेस्ट का एक्युमुलेशन हो जाएगा ज्यादा तो प्रॉब्लम होगा। एक्युमुलेशन ऑफ वेस्ट टाइप के चलते AWCUMULATR, एक्युमुलेशन ऑफ वेस्ट इन द बॉडी है ना, टॉक्सिसिटी बढ़ गया, किडनी काम नहीं कर रहा ढंग से, टॉक्सिसिटी बढ़ गया जिसके चलते है ना यूरेमिया होने लगा, यूरिया का कंसंट्रेशन बढ़ गया शरीर में, ब्लड में। फाइन, और बताओ, ड्यू टू डिफिशिएंसी ऑफ सम एलिमेंट्स इन द बॉडी, है कि नहीं है? यस सर, ड्यू टू डिफिशिएंसी ऑफ सम एलिमेंट्स या न्यूट्रिएंट्स, यू कैन से एलिमेंट्स, तो ये भी हो सकता है कि बाहर कोई सिगरेट, क्या बोल रहे हो सर, बोल रहे कि अगर कोई सिगरेट पी रहा है सामने में तो हमको भी तो हार्म कर सकता है, ये भी कारण हो सकता है ना, बोल सकते हो, ठीक ना। एक्सटर्नल फैक्टर्स, पैसिव स्मोकिंग, EXTERNL, एक्सटर्नल फैक्टर्स कैन डिस्टर्ब द नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ बॉडी, फंक्शनिंग ऑफ कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर, हां लेट मी फिनिश, normal functioning, efficiency, T-I-O-N-I-N-G, functioning of the body, ये क्या हो सकता है, external factors such as smoke, other pollution, है ना, smoke, हम यहाँ पे simply लिखते हैं, air, water, pollution, oxygen, है ना, और कुछ बताने वाले थे, हाँ ठीक ना, और बताओ, इम्प्रॉपर फूड लिख दिए, क्या डिफिशिएंसी ऑफ न्यूट्रिएंट्स, सही है, इम्प्रॉपर फूड, ठीक ना, और क्या बोलेंगे, कंटामिनेटेड वाटर इसी में आ जाएगा, वाटर पोल्यूशन में लिख रहते हैं ना, पोल्यूटेड वाटर के चलते, हाँ, फॉलोइंग abnormal lifestyle, ठीक है, consuming junk food and old food कहने के मतलब non fresh packet food, canned food, है ना, कोशिश करना चाहिए कि हम फ्रेश फूड खाए, अभी अभी निकाले खेत से, जानवर को मारे खा गए, ठीक ना, ज्यादा दिन तक नहीं रहना होता, रखना होता है ना। पॉइंट नंबर फिफ्थ में देखेंगे फॉलोइंग एबनॉर्मल लाइफस्टाइल, इसके चलते भी हम बीमार पड़ते हैं, सुबह 4 बजे मतलब कि एज सन राइजेस यू ऑल्सो मस्ट गेट राइज एट दैट टाइम, यदि नहीं उठोगे 9 बजे उठोगे 10 बजे उठोगे तो सुबह का रोशनी मिलना चाहिए, लाइट मिलना चाहिए, आपके शरीर पर पड़ना चाहिए, वो नहीं पड़ेगा, तो कुछ विटामिन की सिंथेसिस होती है, वो नहीं हो पाएगा, है कि नहीं है, ये दिक्कत है ना। एक चीज और बता रहे,
जंक फूड वगैरह, पुराने भोजन रखे पड़े हैं, इन सभी के चलते हम बीमार पड़ते हैं, है ना। एक्सीडेंट वगैरह हो सकता है, उसके दौरान भी हमारा कोई ऑर्गन सामना करे, दैट आल्सो लीड टू सम एबनॉर्मलिटीज इन योर बॉडी, ठीक है, इसके चलते भी हो सकता है। फाइन, सो डिजीज होने का बहुत सारा रीजन है, सब रीजन को हम स्टडी नहीं करेंगे यहाँ पे, डेफिशिएंसी वाला नहीं, इम्प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ हार्मोन्स, हाँ हो सकते हैं, माल फंक्शनिंग, दैट भी, दैट ऑलरेडी इट इज इंक्लूडेड इन द बॉडी, ठीक ना, फेल्योर ऑफ ऑर्गन मेंशन करें है ना, ऑर्गन का फेल्योर उसके अंदर आ जाएगा, ठीक है, ऑर्गन फेल्योर के अंदर आ जाएगा, हार्मोनल सिस्टम काम नहीं कर रहा है, ठीक है, उसके अंदर आ जाना है। फाइन, इसमें से कुछ कुछ पॉइंट डिस्कस करेंगे, खास करके पैथोजन वाला डिस्कस करेंगे यहाँ पे, है ना, न्यूट्रिएंट वाला हम डिस्कस कर चुके हैं लास्ट ईयर इन अ डाइजेशन चैप्टर, डिफिशियंसी ऑफ विटामिंस, डिफिशियंसी ऑफ सम न्यूट्रिएंट्स, वी हैड डिस्कस ना इन द डाइजेशन चैप्टर इन लास्ट पोर्शन, ऑलरेडी वी हैड डिस्कस ऑल दोस थिंग्स, ठीक ना। चलिए यहाँ पे हम बता रहे हैं, ठीक है, डिजीज कैन बी कैटेगराइज इन टू टू और फोर टाइप्स और मेनी टाइप्स डिपेंडिंग अपॉन ऑन वॉट बेसिस वी आर क्लासिफाइंग, ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज मैं कर रहा हूँ यहाँ। Classification of diseases. Okay, we can classify diseases on several bases. On the basis, पहला मैं लिखता हूँ मैं, on the basis when it is coming to our body, when we are suffering from that particular disease in our body, is it right from birth or after birth? है ना, यदि बर्थ के बाद हम डिजीज को एक्वायर करते हैं, डिजीज हमें लगता है, उसको हम लोग कहेंगे एक्वायर डिजीज। इफ द डिजीज इज देयर इन द बॉडी राइट फ्रॉम बर्थ, देन दैट इज कॉल्ड कंजेनाइटल डिजीज, है ना। कुछ डिजीज हमारे शरीर में लंबे समय तक रहता है, विल बी देयर फॉर लाइफ लॉन्ग, दैट इज कॉल्ड क्रॉनिक डिजीज। बट सम डिजीज आर देयर इन आवर बॉडी विच लास्ट फॉर फ्यू डेज, अ मंथ, अ वीक, उसको हम लोग कहेंगे एक्यूट डिजीज। कुछ कुछ डिजीजेस ट्रांसमिट होते हैं आसानी से फ्रॉम वन अनहेल्दी पर्सन टू अ हेल्दी पर्सन, उसको हम लोग कहेंगे कम्युनिकेबल डिजीज। कुछ डिजीजेस ट्रांसफर नहीं हो पाते हैं एक पर्सन से दूसरे पर्सन में, उसको हम लोग कहेंगे नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस। फाइन, सो वी कैन क्लासीफाई डिजीज इनटू सेवरल ग्रुप बेस्ड ऑन आवर रिक्वायरमेंट, बेस्ड ऑन सेवरल फैक्टर्स। फाइन, यहाँ पे हम कर रहे हैं क्लासिफिकेशन डिजीजेस का, पहला कर रहा हूं मैं, डिजीज कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स, ठीक ना, ऑन द बेसिस ऑफ पहला ऑन द बेसिस ऑफ क्या लिख दूं मैं, व्हेन इट इज अराइविंग इन द बॉडी, ठीक ना, मैं मेंशन कर रहा हूँ यहाँ पे क्रॉनिक डिजीज, कंजेनाइटल disease and acquired disease. Congenital disease and acquired disease. ये दो प्रकार के diseases हो गए, किसके basis पे कब आ रहा है हमारे life में, ठीक है, acquired and congenital. Congenital means it is there from the birth. है ना, इसको हम लोग कहेंगे कॉन्जेनाइटल डिजीज। एक्वायर्ड डिजीज ऐसा डिजीज जो कि बर्थ लेने के बाद, जन्म लेने के बाद होगा,
आफ्टर बार ठीक है एग्जांपल कुछ एग्जांपल दे सकते हैं एक्वायर्ड डिजीज का कैन यू गिव सम एग्जांपल ऑफ एक्वायर्ड डिजीज या सान एक्वायर्ड डिजीज का एग्जांपल आप दे सकते हो कोरोना वायरस कोरोना कोरोना डिजीज और डायबिटीज हाँ डायबिटीज कैंसर एक पॉइंट है ना ये कॉन्जेनाइटल डिजीज ठीक ना डिजीज देयर फ्रॉम बर्थ एग्जांपल इसका ना एचआईवी कैन बी अ कॉन्जेनाइटल है ना नाइट ब्लाइंडनेस वेरी गुड वर्क बहुत सही यू मेरे शेर नाइट ब्लाइंडनेस या कलर ब्लाइंडनेस वही सर BLINDNAWS कलर ब्लाइंडनेस हेमोफीलिया जितनी पढ़े थे हम लोग जेनेटिक डिसऑर्डर्स पढ़े थे ना जेनेटिक डिसऑर्डर कलर ब्लाइंडनेस हो जाएगा डाउन सिंड्रोम हो सकता है ना ये सब हो जाएगा कॉन्जेनाइटल डिजीज इट इज देयर राइट फ्रॉम बर्थ फाइन ये हो गया हमने एक बार एक क्लासिफिकेशन करी दूसरा क्लासिफिकेशन कर रहे हैं ऑन द बेसिस फॉर हाउ लॉन्ग इट इज पर्सिस्टिंग इन आवर बॉडी ऑन द बेसिस फॉर हाउ लॉन्ग इट इज persisting persisting in the body है ना इसको हम लोग कैटेगराइज कर सकते हैं दो भागों में chronic acute and the chronic and chronic acute का स्पेलिंग सही है सर acqut हो सकता है acqut acute and chronic acute disease let me confirm acqt acute disease chronic chronic disease chronic ठीक है acute disease and chronic disease जल्दी से definition बोलेंगे आप तो एक्यूट का मतलब क्या हो जाएगा इट इज देयर फॉर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम ठीक है ये कम समय के लिए रहेगा उसको हम लोग कहेंगे एक्यूट डिजीज और जो लंबे समय तक रहेगा उसको क्या कहेंगे क्रोनिक डिजीज अरे यार ये कहां से लग यहाँ पे जगह बना रहे थे ये भाग के चला गया कहाँ देखो तुम लोग कर सकते हो ऐसा गैप क्रिएट कर सकते हो नहीं नहीं कर सकते such disease which lasts for few days to week is called acute disease
एग्जाम्पल दे सकते हो? फ्लू हो सकता है, कैन बी ओके, क्रॉनिक डिजीज, chronic disease is going to be there in body for lifelong. What is the body? The body for longer time. Period of time. Maybe lifelong. Lifelong present रह सकता है, है ना? इसको हम लोग कहेंगे chronic disease. Example mention कर सकते हैं, tuberculosis, HIV, cancer, ठीक है, और डायबिटीज हो सकता है. हाँ हाँ, डायबिटीज. कैंसर क्रोनिक कैसे हो सकता है? वो तो फिर ठीक हो जाता है ना, सफरेंस हो जाता है, चांसेस है कि फिर से सब आ जाए. नाउ तीसरा बेसिस हम कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ On the basis of on the basis of on the basis of transmission. Of communication, the basis of spread. ठीक है, which can spread? इसमें भी हम दो भाग में बता दे रहे हैं, दो पार्ट बता रहे हैं. Communicable disease, non-communicable. Communicable disease, non-communicable disease. See, सारे disease ही communicable है, सारे disease ही communicable है, एक बंदे से आके दूसरे में आ रहा है, except few, ठीक ना? Few, है ना? Communicable हम किसके basis पे बोल रहे हैं? ध्यान सुनेंगे जरा. Communicable हम कह रहे हैं उस disease को जो आसानी से पास हो जाए एक अनहेल्दी पर्सन से दूसरे हेल्दी पर्सन में, आसानी से, फाइन, ठीक है, उसको कम्युनिकेबल डिजीज कहेंगे, जो आसानी से पहुंच जाए, फाइन. एड्स कैन बी इंक्लूडेड इन कम्युनिकेबल, लेकिन एड्स का जो ट्रांसमिशन मोड है वो थोड़ा डिफिकल्ट है, लेकिन वो भी कम्युनिकेट करता है, एक अनहेल्दी पर्सन से हेल्दी पर्सन में जाएगा, लेकिन आसानी से नहीं जाता है, आसानी से नहीं जाता है, इसलिए हम उसको कम्युनिकेबल के अंदर स्टडी नहीं करते हैं. कम्युनिकेबल डिजीज वही डिजीज को रखा जाएगा जो आसानी से बिना डिफिकल्टी से एक अनहेल्दी पर्सन से हेल्दी पर्सन में आ जाए, फाइन. तो इट इज दैट ग्रुप ऑफ डिजीज़ which transmit or communicate
इजिली. एग्जाम्पल कॉमन कॉल्ड. Chinese 19 disease, है ना? That is corona, है ना? Corona disease भी क्या है? Communicable है, highly communicable है. ठीक है, flu अगला flu ये सब flu जो भी आप बहुत rapidly communicate करता है. Non communicable कहने का मतलब ऐसे disease जो communicate नहीं करेंगे. Those disease which do not communicate, which do not communicate with others. Example, diabetes. है ना? डायबिटीज कम्युनिकेट नहीं करता. फाइन. कैंसर ये कम्युनिकेट नहीं करता. ठीक है, रिकेट. ठीक है, जितने भी डिफिशेंसी डिजीज है, ऑल डिफिशेंसी डिफिशेंसी डिजीजेस, जितने डिफिशेंसी डिजीज है सबको हम मिला सकते हैं इसके अंदर. ठीक है, ये सब कम्युनिकेट नहीं करते. नो. ठीक है, कुछ डिजीज सब हम यहाँ पे डील कर रहे हैं, डिजीज जो पैथोजन द्वारा होता है. ठीक है, ये टॉपिक यहाँ पे खत्म करते हैं, अगला टॉपिक स्टार्ट करते हैं. है ना, हमारे शरीर में बर्थ के बाद है ना डिजीज हो सकता है बिकॉज ऑफ several external factors, है ना? Several external factors, several external biotic factors and abiotic factors we can say. ठीक है, बायोटिक फैक्टर्स के चलते जो होगा उसको हम लोग कहेंगे पैथोजन. ठीक है, इसको पैथोजन कहेंगे. फैक्टर्स को हम लोग एंटीजन कह सकते हैं. एंटीजन कहेंगे इसको, पैथोजन नहीं कहेंगे. ध्यान देंगे, इसको पैथोजन नहीं कहेंगे, एंटीजन कहेंगे. फाइन. पैथोजन कहने का मतलब लिविंग सब्सटेंस. ठीक है, लिविंग पार्टिकल, लिविंग पार्टिकल को हम लोग पैथोजन कहेंगे. ठीक है, एंटीजन कहने का मतलब इट मे बी लिविंग, मे नॉट बी लिविंग. है ना, ये कोई केमिकल सब्सटेंस भी हो सकता है, कोई मिट्टी भी, सॉइल हो सकता है, मतलब कंपोजिशन, केमिकल का कंपोजिशन, पॉइजन, कुछ भी हो सकता है एंटीजन. फाइन. पैथोजन कहने का मतलब लिविंग सब्सटेंस, लिविंग बॉडी, लिविंग ऑर्गेनिज्म. है ना? फाइन. हम यहाँ पे बायोटिक फैक्टर के बारे में डील कर रहे हैं. फाइन. बायोटिक फैक्टर जो डिजीज कॉज करेंगे. वन मोमेंट, गिव मी अ मोमेंट, आई एम कमिंग. ठीक, कहाँ पर थे हम लोग? यहाँ पे हम डील करने वाले हैं पैथोजेनिक के बारे में. फाइन. डिजीज कॉज्ड बाय बायोटिक, इसमें हम इस वाले सेक्शन में एलर्जी डील करेंगे. फाइन. एलर्जी डील करेंगे यहाँ पे हम, इस वाले सेक्शन में एलर्जी पढ़ाएंगे हम. फाइन. अभी हम डील करते हैं डिजीज कॉज्ड बाय पैथोजेन. डिजीजेस
डिजीज कॉज बाय पैथोजन. ठीक है, दिस इज कॉज बाय पैथोजन्स. देखते हैं, सो पैथोजन्स अलग अलग रेंज के हो सकते हैं. पैथोजन कैन बी ऑफ सेवरल रेंज सच एज pathogen can be of several range. ठीक ना, such as जैसे कि यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, such as bacteria, bacteria, ठीक है, fungi, fungi के चलते भी disease होता है, helminthes, viruses. एलिमेंटिव है ना, ये सब लिविंग सब्सटेंसेस है, लिविंग एंटिटीज है, इनके चलते डिजीज होता है ना. तो अब हम यहाँ पे डील करेंगे एक एक करके. ठीक है, एक एक करके ऑर्गेनिज्म के बारे में हम लोग पढ़ेंगे जो डिजीज कॉज करेगा. सबसे ज्यादा डिजीज कॉज करने वाला ऑर्गेनिज्म है बैक्टीरिया, फॉलोड बाय वायरसेस यू कैन से, है ना. सबसे ज्यादा डिजीज कॉज करता है बैक्टीरिया. ठीक है, आप लोग को बुकलेट मिल चुका है, बुकलेट मिला है कि नहीं आप लोगों को? हेलो, यस सर. हाँ सर, मिला है सर. हाँ ठीक है, बुकलेट मिला है, हार्ड कॉपी या सॉफ्ट कॉपी मिला है? हार्ड कॉपी या सॉफ्ट कॉपी मिला है? हम यहाँ से डिजीज डील करने वाले हैं बुकलेट से ही. फाइन, बुकलेट से ही डील करने वाले हैं हम. हम डील करेंगे सभी डिजीज के बारे में. ये बुकलेट मिला आप लोगों को? यस सर. ये कुछ प्रोटोजोआ मेंशन कर देते हैं, एलिमेंटीज, प्रोटोजोआ. ठीक है, प्रोटोजोआ भी हो सकता है. चलिए, यहाँ पे हम सबसे पहले डिस्कस कर रहे हैं बैक्टीरियल डिजीज. फाइन, सबसे पहले हम डील कर रहे हैं बैक्टीरियल डिजीज. Oh my God, what a grief here. Okay, bacterial disease, dekhenge. Tuberculosis, jisko TB, shortcut mein bolte hain TB. बचपन में हम लोग बोलते थे टीबी बीमारी हो गया, मतलब क्या टीबी बीमारी हो गया, मतलब क्या हुआ, वो बंदा टीबी देखने लगता है. टीबी शॉर्टकट है ट्यूबरकुलोसिस के लिए. सो दिस पैथोजन फॉर ट्यूबरकुलोसिस इज माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, है ना. Mycobacterium tuberculosis, याद रखेंगे, Mycobacterium tuberculosis is the pathogen for tuberculosis. Spread कैसे होता है? How this get or this reaches to a healthy person? So it is reach to the healthy person with the help of droplet infection. मान के चलो आपके आसपास tuberculosis वाला patient है ना, उसने sneeze करा, cough करा, है ना. तो जो बैक्टीरिया था ट्यूबरकुलोसिस वाला माइक्रोबैक्टीरियम टिपिकली वाटर ड्रॉपलेट में प्रोसेस करता है. निकला, यदि आप सांस लिए, इनहेल करें, तो आपके लंग सिस्टम में भी जाएगा, आपके ब्रीदिंग सिस्टम का पार्ट बन जाएगा और आपको भी डिजीज कॉज करना शुरू कर देगा. कुछ सिम्टम्स है, लेट मी टेल यू व्हाट इज साइन एंड सिम्टम्स. साइन एंड सिम्टम्स के बारे में बताया हूँ आप लोगों को. साइन और सिम्टम्स के बारे में बताया हूँ क्या मैं आप लोगों को? हेलो, नो सर. सिम्टम्स मीन
इट कैन बी फेल्ट बाय पेशेंट ओनली, जो मरीज महसूस कर सकता हो सिर्फ, दिखेगा नहीं, डॉक्टर देख नहीं पाएगा, महसूस नहीं कर पाएगा, उसको हम लोग सिम्टम्स कहेंगे। जैसे कि हेडेक, सुधांशु को हेडेक हो रहा है, हम उसका चेहरा देख के नहीं बता सकते कि सुधांशु को हेडेक हो रहा है या स्टमक एक हो रहा है, ये सिम्टम्स। साइन मीन्स बॉडी में कुछ चेंजेस दिखेगा, जैसे कि राइज इन टेम्परेचर, आई कैन टच द बॉडी एंड आई कैन से हाँ योर टेम्परेचर हैज गॉट राइज्ड अप बाय सम डिग्री सेल्सियस, या फिर थर्मामीटर से बोल सकते हैं, देख ऐसे अंदाज से नहीं बोल सकते कितना राइज है ना। एक चीज बॉडी का कलर चेंज होना है ना, बॉडी टेम्परेचर हाई होना, चेहरा पेल हो जाना, दीज आर कॉल्ड साइन। साइन कहने का मतलब पेशेंट का बिना बताए हुए डॉक्टर पहचान लेगा कि क्या गड़बड़ी है शरीर में, उसको हम लोग कहेंगे साइन। सिम्टम्स ओनली द पेशेंट कैन फेल, ठीक है। तो देखते हैं इसका साइन सिम्टम्स क्या है। क्रॉनिक कफिंग, क्रॉनिक कफिंग कहने का मतलब लाइफ लॉन्ग कफिंग, हमेशा खांसते रहेगा बंदा, फीवर रहेगा, बीमार रहेगा, वीकनेस रहेगा, ब्लडी ऊटम खांसेगा, खांसते समय खांसी में ब्लड भी आ सकता है, ब्रेथलेसनेस, ठीक है, ब्रेथलेसनेस, दामा जिसको बोलेंगे, हाफ रहेगा, हाफते रहेगा। व्हाट इज द ट्रीटमेंट फॉर दिस, डॉट्स है, डॉट्स इज द ट्रीटमेंट। डॉट्स कहने का मतलब होता है डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन ट्रीटमेंट शॉट कोर्सेस, ठीक है। मतलब कि पेशेंट को ले जाया जाता है एक हॉस्पिटल में या फिर डिस्पेंसरी में या फिर कहीं पे भी, जहां पे डॉक्टर उसको देखभाल करेंगे लंबे समय तक, फाइन, लंबे समय तक डॉक्टर उसका देखभाल करेंगे, दवा देंगे समय पे, कुछ कुछ थेरेपी वगैरह देंगे समय पे, तब इसको कंट्रोल किया जा सकता है, फाइन, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए सिलेबस में जितना है उतना ही पढ़ना है। इफ यू वॉन्ट टू नो मोर अबाउट दिस डिजीजेस, स्टडी हार्ड बेटा, MBBS में जानोगे, है ना, क्या होता है एक्चुअली, कैसे होता है एक्चुअली, हाउ वी कैन ट्रीट दिस, उसमें अपना दिमाग भी लगा सकते हैं। अभी आप लोग को बस इतना ही करना है, फाइन, कि आपका एग्जाम निकल जाए, MBBS में डिटेल में पढ़ेंगे आपको, ठीक है, हो गया ये इन्वेस्टिगेशन नॉन इट, ठीक ना। मैनटॉक्स टेस्ट, ये मॉन्टॉक्स टेस्ट होता है, एक प्रकार का पैथोलॉजिकल टेस्ट होगा जिसे हम कंफर्म करते हैं कि पेशेंट को ट्यूबरकुलोसिस है या नहीं है, फाइन। आई एम मूविंग फॉरवर्ड, डिप्टेरा इट इज नॉट सो इम्पोर्टेंट, ठीक है। कोरिनी बैक्टीरियम डिप्टेरे द्वारा यह डिजीज होता है। फीवर रहेगा, हाई ग्रेड फीवर, हाई ग्रेड फीवर, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, ठीक है। स्किप टेस्ट से किया जा सकता है, नॉन इसको स्किप करेंगे, कोई इम्पोर्टेंट नहीं है, बस ये याद कर सकते हैं तो कर लीजिएगा। वूफिंग कॉफ या पर्टोसिस भी कहा जाता है, ठीक है। वूफिंग कॉफ, कुत्ते की तरह ढांसना, ठीक ना, भौंकना, ठीक ना, मतलब ये भी खांसी ही है, रेस्पिरेटरी डिजीज ही है, ब्रीदिंग वाला सिस्टम का ही डिजीज है। इसमें आदमी कुकुर की तरह खांसता है ना, सूखा खांसी जिसको बोलते हैं, इट इज ऑल्सो नॉन एज पर्टोसिस, ठीक है। बॉडी का पर्टोसिस द्वारा ये डिजीज होता है, ठीक है। परसिस्टेंट लार्ज बॉल्स ऑफ कफ, ठीक ना, मतलब कफ करेंगे तो फ्लेम ज्यादा निकलेगा, फाइन, ये भी उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। बट याद रखेंगे वूफिंग कफ इज ऑल्सो नॉन एज पर्टोसिस, दिस इज इम्पोर्टेंट, वूफिंग कफ इज ऑल्सो नॉन एज पर्टोसिस, दिस इज इम्पोर्टेंट। कॉलेरा, हाँ ये इम्पोर्टेंट है, इट इज कॉज्ड बाय विब्रियो कॉलरी, ठीक है, विब्रियो कॉलरी द्वारा होता है कॉलेरा डिजीज, हाँ ठीक है। देखते हैं इसका सिम्टम्स क्या है। डायोरिया, डिहाइड्रेशन एंड वॉमिटिंग, डायोरिया, डिहाइड्रेशन एंड वॉमिटिंग, ये कुछ इसके सिम्टम्स है कॉलेरा के केस में। एक्सेस बॉडी वाटर लॉस होने लगता है, तो इसका ट्रीटमेंट यही है कि भैया ज्यादा ज्यादा पानी पिए, गर्म पानी पिए, है ना, सॉल्ट वाटर पिए, ठीक है। नेक्स्ट टिटनेस, टिटनेस भी थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कॉज होता है क्लोस्ट्रीडियम टिटानी से, देखिए जिम का नाम है ना। होता क्या है टिटनेस के केस में, टिटनेस के केस में
नर्व इम्पल्स ज्यादातर हैम्पर होते हैं, नर्व इम्पल्स अफेक्टेड होता है, नर्व जंक्शन इफेक्टेड होता है, है ना। मान के चलो मसल कॉन्ट्रैक्ट करने का मैसेज पहुंच गया मसल के पास, लेकिन मसल को रिलैक्स करने का मैसेज नहीं पहुंचा, तो क्या होगा, मसल लंबे समय तक कॉन्ट्रैक्टेड रहेगा। अब मान के चलो लंग्स का मसल लंबे समय तक कॉन्ट्रैक्टेड रह गया, इफ द डायफ्राम द एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल हैज गॉट एक्सटेंडेड एक्सपैंडेड फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, देन व्हाट विल हैपन, हम ब्रीथ इन करके रहेंगे हवा, ब्रीथ आउट नहीं कर पाएंगे, तो हमारे बॉडी में ऑक्सीजन की कमी होने लगेगी, इसके चलते डेथ भी हो सकता है ना। ठीक है, यहाँ पे हम बता रहे हैं क्या हो रखा है, सस्टेन कॉन्ट्रैक्शन ऑफ बॉडी मसल्स पास लॉक जो, लॉक जो कहने का मतलब माउथ वाले पोर्शन में, जो लोअर जो है वाले पोर्शन में कैल्शियम की डिसबैलेंस होनी है, मसल सिग्नलिंग में डिस्टर्बेंस होनी है, इसके चलते हमारा माउथ मसल, ये जॉ वाला मसल कॉन्ट्रैक्टेड रहेगा लंबे समय तक, माउथ ओपन नहीं कर पाएंगे हम लोग। ठीक है, अनकॉन्शियसनेस ऑफ दी नोस मीनिंग बॉडी बिल्डर, लेप्रोसी और हैंसन्स डिजीज नॉट सो इम्पोर्टेंट, ठीक ना, नॉट सो इम्पोर्टेंट, बस ये याद रखेंगे। ठीक है, पैचेस ऑन स्किन, अल्सर एंड नोडल फॉर्मेशन ऑन स्किन, ये होता है आपका लेप्रोसी, है ना, चर्म रोग जिसको कहते हैं। ठीक है, प्लाग, प्लाग डिजीज जिसको ब्लैक डेथ भी कहते हैं, यार्सिनिया पेस्ट्रिस द्वारा होता है, याद रखेंगे ये, है ना। ओके, ठीक है, लिम्फ नोड नोड्स कहने का मतलब जहाँ पे नोड्स होंगे लिम्फ के, लिम्फ नोड्स में एक्चुअली एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन होता है ना, तो वो नोड में ज्यादा काम होना है, ज्यादा बैटलिंग होना है, ज्यादा लड़ाई होगा, जिसके चलते उसका साइज थोड़ा बढ़ जाता है, फाइन, इसका मतलब ये होता है। ब्लैक डेथ क्यों बोलते हैं इसको? ब्लैक डेथ इसलिए बोलते हैं क्योंकि शरीर कहीं कहीं पे ब्लैक पड़ने लगता है, सभी जगह नहीं, कहीं कहीं पे। ठीक है, ब्लैक डेथ और प्लाग दिखा रहा हूँ मैं यहाँ पे डायग्राम, ये वही वाला बीमारी जो ब्लड वर्ल्ड वार के समय हुआ था, वर्ल्ड वार के दौरान नर्व ए के यूज करा गया था जो, ठीक है, एक प्रकार का, हाँ वही वाला यूज करा गया था, मस्टर्ड गैस वगैरह, ये दिस इज कॉल्ड लाइक इट लाइक ये तरीके से ब्लैक पड़ जाता है शरीर, देख पा रहे हो हाउ हॉरिबल इट इज। द फिंगर्स द माउथ आर टर्निंग ब्लैक, oh my god, oh hallelujah, kya samjhe, to force spread hota hai ye, to force spread hota hai ye, rat flea se bhi, mosquito ye ek prakar ke fly hote hain usse bhi spread hota hai ye। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग साल्मोनेला टाइफी पे, टाइफॉइड डिजीज है, साल्मोनेला टाइफी से होता है टाइफॉइड डिजीज, है ना। टाइफॉइड डिजीज को टेस्ट करने के लिए एक
टेस्ट होता है, मतलब जांचने के लिए टेस्ट होता है, एनालिसिस के लिए टेस्ट होता है, दैट इज कॉल्ड विडाल टेस्ट। मोस्ट इंपोर्टेंट ये एनसीईआरटी से बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है। ये विडाल टेस्ट एक प्रकार का आपका सेरोलॉजिकल टेस्ट है ना, बॉडी में जो फ्लूइड है उसको टेस्ट करते हैं, और जो एबनॉर्मलिटीज आ रखा है डिजीज के दौरान उसको चेक किया जाता है, एनालाइज किया जाता है ना। इसमें देखेंगे, पढ़ेंगे जरा क्या क्या है इसमें, इसका हिस्ट्री वगैरह पढ़ेंगे। आई एम गिविंग यू 2 मिनट्स। सलमोनेला टाइफी यहाँ से यहाँ तक पढ़ो, जरा पढ़ो 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 पढ़ो, सब हम नहीं करते रहेंगे। क्वेश्चन राइट करेंगे पढ़ के। क्रेडिट पास कुछ डाउट है तो पूछेंगे। सर क्या इस बैक्टीरिया को स्मॉल इंटेस्टाइन में मतलब सही जगह मिलता है इसलिए वहां पर रेप्लिकेट करता है? क्या क्या सर ये स्मॉल इंटेस्टाइन में रेप्लिकेट करता है क्योंकि उसको वहां पर सुटेबल एनवायरनमेंट मिलता है? बोल सकते हैं, क्या मेंशन है, पढ़ो जरा उस स्टेटमेंट को जोड़ से पढ़ो क्या लिखा हुआ है। These pathogens generally enter the small intestine through food and water contaminated with them and migrate to other organs through blood. Migrated to? Other organs through blood. ठीक है, ठीक है। उसको sustained high fever है, weakness है, stomach pain. ठीक है, see हमारे शरीर में pathogen को enter करने का 2-3 रास्ता है, है ना? It can enter through genital region. HIV के केस में होता है, इट कैन एंटर थ्रू योर नोज माउथ, है ना, स्किन के थ्रू एंटर कर सकता है पेनिट्रेट करके, है ना। तो ये भोजन के थ्रू एंटर करा, पानी के थ्रू, मतलब इसोफेगस के थ्रू एंटर करा हमारे शरीर में, चला गया स्मॉल इंटेस्टाइन में, स्टमक के पीएच को ध्रुत बनाते हुए, बेवकूफ बनाते हुए चला गया हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन में पेनिट्रेट करके कर गया, डिफ्यूज कर गया, ब्लड कैपिलरी में आ गया और ब्लड कैपिलरी के थ्रू पूरे शरीर में फैल गया। सर पैथोजन है, कुछ टॉक्सिक सब्सटेंस तो बनाएगा ही, है ना, अपने आप को बचाने के लिए ये कुछ केमिकल सिक्रीट करता है और वो पर्टिकुलर केमिकल हमारे लिए नुकसान है। हाँ बोलो सर। लॉस ऑफ एपेटाइट मींस? लॉस ऑफ एपेटाइट कहने का मतलब भोजन पानी से नाता तोड़ देना, मतलब कुछ भी ठीक ना लगना, भूख ना लगना, कुछ भी अच्छा ना लगना। इंटेस्टाइनल परफोरेशन? अरे यार इंटेस्टाइन में छेद करना, दैट इज कॉल्ड इंटेस्टाइनल परफोरेशन। फाइन, यस सर, वेरी गुड। चलो मेरे शेयर लो, ठीक है ठीक, अच्छा कर, थोड़ा पढ़ाई करेंगे भी, सब बैठे हुए नहीं रहेंगे दिन भर ना। ठीक है ठीक है ठीक है, पढ़ लिए ये पूरा विडाल टेस्ट पढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इसका हिस्ट्री पढ़ के बताया जरा हमें क्या लिखा हुआ है। एक लेडी थी सर, है ना, शी वाज कूक, ये टाइफाइड, उसको टाइफाइड बीमारी था, उसको पता ही नहीं था। तो कितने साल तक वो लेडी अपने कस्टमर्स को टाइफाइड बीमारी दे रही थी, लास्ट में पता चला। हाँ क्या बोल रहे थे सर, मेडिसिन का फाउंडर यही थी या फिर ये कैरियर थे? ना, मेडिसिन के फाउंडर नहीं थी, डिजीज के फाउंडर थी, फाउंडर नहीं बोलेंगे, सोर्स बोलेंगे, ठीक है, सोर्स थी, हाँ कैरियर बोल सकते हो, ट्रांसमिटर बोल सकते हो। टाइफाइड तो नॉन कम्युनिकेबल है ना सर? काहे नहीं है, देखो जरा, नॉन कम्युनिकेबल, अरे यार कम्युनिकेबल नॉन कम्युनिकेबल में मैंने क्या बताया था आप लोग को, कम्युनिकेट हर डिजीज करता है, डिफिशियंसी डिजीज को छोड़ देंगे, डायबिटीज कैंसर को छोड़ देंगे, तो सारा डिजीजेस ही ट्रांसमिट करता है, कम्युनिकेट करता है। लेकिन हम लोग कम्युनिकेशन डिजीज में किसको पढ़ते हैं, उन्हीं डिजीज को पढ़ेंगे जो आसानी से ट्रांसमिट कर जा रहा है ना,
okay, which is a transferring easily to a healthy person. ताम झाम नहीं है, सिंपली स्नीज करा, उसके पैथोजन एयर में चला गया और एयर के थ्रू दूसरे इंडिविजुअल में चला गया. आसान है. एचआईवी के केस में ट्रांसमिट करता है कैसे? ब्लड ट्रांसफर कर रहा है यदि अनहेल्दी पर्सन से हेल्दी पर्सन में, सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान होता है ना, तो ट्रांसमिट तो कर रहा है ना, कम्युनिकेट तो किया ना एक से दूसरे में, है ना. एक है कम्युनिकेशन आसान और एक कम्युनिकेशन डिफिकल्ट. जो आसान वाला कम्युनिकेशन है उसी को सही मायने में कम्युनिकेबल डिजीज कहते हैं, रखा गया है. और कुछ क्वेश्चन? कम ऑन यू कैन आस्क, नहीं तो आगे बढ़ूंगा मैं. सर निमोनिया वाला मैं पूछना था. हाँ, निमोनिया के केस में क्या होता है? तो कौन सा फ्लूइड भर जाता है एयर सैक्स में? अरे यार, कौन सा फ्लूइड कहने का मतलब क्या? सेल में रहता है क्या, वाटर या फिर क्या? ऐसा कुछ नहीं है. हमारा जो ब्लड में होता है ना, ब्लड में जो वाटर होता है ना, वही वाटर. पढ़ाया तो था यार लास्ट सेशन में, ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस वाले में, इम्फाइसीमा वाला केस में सरफेस एरिया घट जाता है. निमोनिया के केस में क्या होता है? पोर्स क्रिएट होने लगते हैं एल्वियोली में, पोर्स क्रिएट होने लगते हैं जिसके चलते वाटर भरने लगता है एल्वियोली में. बताया था ना. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. आगे कौन सा डिजीज है देखो जरा. निमोनिया. अच्छा, इसमें कुछ एल्वियोली शब्द भी दिया हुआ है. हाँ, निमोनिया के बारे में भी डिजीज दिया हुआ है यहाँ पे, देखते हैं. वहाँ स्पेलिंग गलत है सर, वहाँ हर्नोफाइलस लिखा हुआ है. नहीं दिखा हुआ है क्या? यहाँ तक खत्म होता है ये वाला एपिसोड. यहाँ से दूसरा एपिसोड स्टार्ट होता है. बैक्टीरिया लाइक स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, PNEUMONIA, सही तो है. स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया एंड हेमोफिलस. अच्छा, हेमोफिलस का बोल रहे हो, HAEMO हो जाएगा. हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा है ना, ये निमोनिया डिजीज कॉज करता है. बता चुका हूँ लास्ट सेशन में भी. एल्वियोली के अंदर जाके रिसाइड करेगा, एल्वियोली के अंदर पेंट्रेशन करेगा, है ना. एल्वियोली में मान चलो होल कर दिया, तो यहाँ से पानी एंटर करने लगेगा. पानी एंटर करेगा, पानी भर जाएगा, तो एल्वियोली का एयर डिफ्यूजन टेंडेंसी घटेगा. घटने के चलते ब्लड के पास कम ऑक्सीजन पहुंचेगा, शरीर के पास कम ऑक्सीजन पहुंचा तो शरीर तो बीमार होगा ही. ठीक है, और कुछ नाउ आई एम मूविंग फॉरवर्ड. ये ज्यादातर निमोनिया डिजीज बच्चों में देखने को मिलता है. ठीक, सिम्टम्स साइन देख लेते हैं. निमोनिया इंक्लूड फीवर, चिल, ठीक ना, बुखार लगता है, सर दर्द होता है, ठीक ना, ठंडा लगने लगता है निमोनिया केसेस में. इन सीवियर केसेस द लिप्स एंड द फिंगर नेल्स मे टर्न ग्रे. मोस्ट इम्पोर्टेंट, बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है यहाँ से, तो नहीं भूलोगे, है ना. जो उंगली है, जो टिप है, नाखून का टिप है ना, वो ग्रे टर्न होने लगता है, तो ब्लू ग्रे से ब्लू हो जाता है, ग्रे टू ब्लू. ठीक है, ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन आ चुके हैं बहुत बार यहाँ से. A healthy person acquires the infectious by inhaling the droplets, aerosols released by infectious person, bata chuka hu, sharing glass and utensils with infected person. Theek hai, dysentery, plaque, diphtheria, etc., some other bacterial diseases in hand.
चलिए यहीं तक रहने देता हूँ, अगले क्लास में मैं यहाँ से डील करूंगा आगे की तरफ। टुडे इज 14th ना, टुडे इज 14th ना? यस सर। सर आप लोग वायरल डिजीज अगले क्लास से डील करेंगे हम लोग। हाँ जी बोलो सर, ये जो ऊपर जितना भी लिखा है ना सर, उसका फोटो खींच के भेज दीजिएगा सर ग्रुप में। आपके पास नहीं है क्या ये? हाँ वो है जो अंडरलाइन के ना वो सर। ठीक है मैं ये फाइल ही शेयर कर दे रहा हूँ आप लोग, ठीक है? इम्यूनोलॉजी मैं ये फाइल शेयर कर रहा हूँ, फाइन। कहाँ गया इम्यूनोलॉजी? सर नोट्स भी। नोट्स कैसा नोट? अच्छा दैट वन, दैट ऑब्वियसली आई एम गोइंग टू शेयर बॉय। तुम लोग एक ग्रुप बनाओ यार व्हाट्सएप पे, छोड़ो मत बनाओ। यही है ना तुम लोग का ग्रुप है ना ये? नहीं, तुम लोग का ट्वेल्थ मेडिकल है। यही है डाउट वाला पे ऑब्वियसली। बायो डाउट वाला है। सर हम को अभी तक नहीं ज्वाइन किए सर। ले कहाँ चला गया? कोई भेज दो। ठीक है ये सब आप लोगों को यहीं से याद करना है ना। मेन इम्यूनोलॉजी पे अभी नहीं आएंगे, टाइम लगेगा दो क्लास के आसपास। ओके सर हम हैंड रिटन नोट्स के बारे में बोल रहे थे। हैंड रिटन नोट्स भी चाहिए, लेट मी सी है कि नहीं है। ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज है, लेट मी चेक। ठीक है ये देखो आठवें महीने में पढ़ा है। लो ये भी हो गया मेरा क्लास नोट। ठीक है चलिए हम साइन ऑफ कर रहे हैं ना, मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में।